और मैं टाइनी स्कॉलर स्कूल कठुआ से हूँ। मैं मुंबई गई थी, वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन था, वहाँ पे उसका डांस परफॉर्मेंस चल रहा था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए थे, कोलकाता, दिल्ली, बहुत सारे स्टेट से बच्चे आए थे, तो उनमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मेरा वेस्टर्न बॉलीवुड स्टाइल था जिसमें मैं फर्स्ट आई, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला। सो मैं बहुत खुश हूँ और मैं ज़्यादातर थैंकफुल करना चाहूँगी अपने कोरियोग्राफर चंदन सर, रवि सर, राहुल सर, उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा परफॉर्म दिया करने के लिए और प्लेटफॉर्म दिया एक। तो अगर वो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं देते तो मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर सकती। हम प्रियांशी महाजन हैं और हम मुंबई कल्याण में गए थे, हमने डांसिंग आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ चैम्पियनशिप में गए थे एंड हम कठुआ से आठ जाने थे, हम सारे गोल्ड मेडल लाए हैं। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है और मैंने उधर जाके अपने डोगी डांस को मैंने प्रेजेंट किया था, उधर अपने कल्चर को प्रेजेंट किया था मुंबई जाके। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर चंदन मंडल सर एंड माय पेरेंट्स। आई थिंक हम जितना भी मैं जितना ये गोल्ड मेडल डिजर्व करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा। आई थिंक चंदन सर को ट्रॉफी भी दी जाए वो भी कम है, पर अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी हम ट्रॉफी भी देंगे, जल्दी देंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर हमारे कठुआ में बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी सोच ऐसी है कि वो कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों के गोल्स नहीं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मोमेंट है आज जो इन्होंने चंदन साहब ने जो मैजिक स्टार खोल रखा है, अभी कुछ दिन पहले हमारे वहाँ पैलेस में भी हुआ था इनका डांस कम्पटिशन, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ सशा गुप्ता जो सिंगिंग की बड़े स्टार में जिसने किया था उनको भी आने का मौका है, बच्चों को अच्छा आशीर्वाद, उन्होंने बड़े अच्छे मेडल लाए कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, खासकर बड़ा नाम रोशन किया है। मैं ऐसे ही बच्चों को आशीर्वाद देंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। अभी हम कठुआ स्टेशन पे इनका वेलकम करने के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए, और बड़ा अच्छा प्राउड महसूस हो रहा है। मेरे साथ DDC वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी और इनकी पूरी टीम का, जितने बच्चों ने मेडल लाया है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा खुशी का पल है पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर कठुआ के बच्चे जिन्होंने अच्छा ये एक परफॉर्मेंस किया है बॉम्बे में जाके, डांस का, सिंगिंग का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एक बार फिर से मैं चंदन जी का और सब इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। ये बच्चे जितने भी ट्रेंड किए, पहली मुबारक मैं इनके कोच कोरियोग्राफर मिस्टर चंदन मंडल को देती हूँ। दूसरी मुबारक मैं इनके पेरेंट्स को दूंगी जिनके ताबुन से, जिनके कॉपरेशन के साथ ये बच्चे यह इस मुकाम तक पहुँच पाए। वहाँ पहुँचे मैं भी साथ में ही थी पेरेंट बच्चों के साथ, ये सभी बच्चे मेरे पोतियाँ पोते ही लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहुँच के भी हमें बड़ा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, पूरा ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहाँ आए हुए थे, लेकिन हमारे JNK UT ने वहाँ जो नाम रोशन किया, मेरे ख्याल में कोई ऐसी स्टेट और नहीं थी एक आध स्टेट को छोड़ के जिनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। तो हमारे बच्चों के लिए जितने भी जजेस थे वहाँ पे, जो सुशांत पुजारी जी का आपने नाम सुना होगा, और भी दो कोरियोग्राफर थे जो DID में विनर्स थे, वो भी वहाँ आए हुए थे। तो जब उन्होंने प्रोग्राम देखा हमारे बच्चों का, तो उनको ये हुआ कि हम भी इन बच्चों के साथ डांस करें, और बच्चों की परफॉर्मेंस पे उन्होंने शाबाशी दी। हमारी एक लड़की, उसने एक्टिंग की थी, एक्टिंग का एपिसोड भी था वहाँ पे, और उसका तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि एक जजेस ने, उनमें से जितने जजेस थे उनमें से एक ने उठ के उसके पांव हाथ भी लगाया। तो ये उस समय हमारा इतना प्राउड फील कर रहे थे हम कि हम बता ही नहीं सकते, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उस प्राउड को बयान करने के लिए। बात है खासतौर पे पूरे JK UT के लिए और खासतौर पर हमारे कठुआ जो जिला,
तो एक बड़ी खुशी की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश का हमारे समाज का भविष्य है, तो आज उन्होंने एक बार फिर परफॉर्मेंस करके हमारे कठुआ का नाम रोशन किया है, हमारे यूकी यूटी का नाम रोशन किया है। मैं इन बच्चों के परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतना इंटरेस्ट लेके इनको अकेडमीज में भेजते हैं और ये अपना टैलेंट जो है बाहर दिखाते हैं। और जो हमारे चंदन जी हैं यहाँ के स्टार म्यूज़िक जो इन्होंने खोला है अकेडमी, तो उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद कि वो दिलचस्पी से इन बच्चों को जो सिखाते हैं। और ये मुंबई में जाके जहाँ कठुआ से लेके जहाँ जाना और बम्बई में जाके जहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जो जजेस होते हैं वो वहाँ आए होते हैं, तो उनमें से 150 के करीब पूरे देश से बच्चे आए थे, जिसमें से 33 बच्चे हमारे पूरे जेके यूटी के थे, जो 8 बच्चे हमारे कठुआ से हैं। एक बड़ी बात है कि पूरे देश के बच्चे 150 बच्चों में से 8 बच्चों ने जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल जो जीत के हमारे कठुआ की शान बढ़ाई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों को और दमखम से परमात्मा का आशीर्वाद हो, इनके परिवारों को और आशीर्वाद मिले और अच्छे। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे बच्चे जो कठुआ से मुंबई में डांसिंग एक्टिंग और सिंगिंग कंपटीशन के लिए गए थे और इन्होंने हमारे कठुआ का हमारे जम्मू का नाम रोशन किया है। मैं इनको इनके पेरेंट्स को और इनके जो कोच हैं जिन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी, इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि 150 में से हमारे 7-8 बच्चे जो जम्मू ड्यूटी के गए थे, खासकर कठुआ के, इन्होंने ये बहुत ऊँचा मुकाम हासिल किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जो हासिल किया है। तो मैं ऊपर वाले से भगवान से ये दुआ करूंगा कि इनकी सेहत अच्छी रहे और आने वाले समय में आने वाला जो वक्त है ये हमारे कठुआ का खासकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, जब भी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़े हम हर दम इनके साथ हैं। मैं दोबारा आप सबका और इनका सभी का, इनके कोच का और बच्चों का जिन्होंने आज हमारा नाम रोशन किया, दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन मुबारकबाद देता हूँ, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।